लोकसभा चुनाव 2019 में पीएम मोदी को प्रचंड बहुमत मिला। लोगों ने मोदी शाह की जोड़ी के लिए दिल खोलकर वोट किया और विरोधियों का सुपड़ा साफ हो गया। इसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल है। चुनाव से पहले जहां ममता पीएम बनने के सपने देख रही थी, तो वहीं परिणाम आने के बाद अब दीदी सीएम की कुर्सी बचाती फिर रही है। दरअसल हार के बाद दीदी सदमे में है कि आखिर यह कैसे हो गया। दीदी कविता लिखने लगी, हार का रोना रोने लगी कि मैं नहीं मानती। बता दें कि ममता बनर्जी ने ट्विटर पर एक कविता शेयर किया जिसका टाइटल है मैं नहीं मानती। बंगाल में मोदी शाह ने जो कहा वह कर दिया। शायद आप भूल गए होंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि दीदी आपके 40 विधायक मेरे संपर्क में है, लेकिन ममता दीदी यह बात नहीं भूली होंगी। पीएम मोदी ऐसे ही हल्के में कुछ भी नहीं बोलते। अब जब बीजेपी को बंगाल में प्रचंड वोट मिला तो दीदी की नींद उड़ गई। ममता बनर्जी को यह बात जरूर सता रही होगी कि आखिर वो 40 विधायक कौन है जो बीजेपी के संपर्क में है। ममता को पता चल चुका है कि अमित शाह सरकार बनाने की मशीन है और अब वह दिन दूर नहीं जब बीजेपी बंगाल में ममता के किले को फतह कर ले। फिलहाल दीदी बेचैन है, परेशान है और पता लगाने में जुटी है कि आखिर वो 40 है कौन। ममता को भी मालूम है कि बंगाल में अब मोदी और शाह की तूती बोलने वाली है और अमित शाह अपना पत्ता कब खोल दे और कब बंगाल में सरकार बना ले यह तो किसी को पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।